पर इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 20 मई 2024। आज की मुरली के सार में बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा, ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांति का अनुभव होगा। भगवानो आज स्वधर्म में बैठो। फिर कहा, बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। पूछा, अब भक्ति का फल कौन लेंगे? तो बाबा कहे, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होंगी वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। बाबा तुम्हें भक्ति का फल पढ़ाई पढ़ाकर कौड़ी से हीरे जैसा, मनुष्य से देवता, कलयोगी से सतयोगी, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, विकारी से निर्विकारी बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर बाबा कहे, मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैं ड्रामा बनाता नहीं हूँ, यह ड्रामा तो अनादि अविनाशी है जिसमें तुम चक्र लगाते रहते हो। इसमें यह सवाल कभी नहीं उठ सकता कि यह कब बंद होगा, यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। फिर कहा, अभी तुम बच्चे जो बाबा से राय व श्रीमत लेते हो वह अविनाशी बन जाते हैं, जो 21 पीढ़ी कभी फिर कोई वजीर आदि, राय बहादुर आदि की आवश्यकता नहीं रहेंगी। फिर अटेंशन दिलाया, हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत नहीं पहनी तो जगत जीत नहीं बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए, तुम यहाँ आए ही हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, तो पवित्र जरूर बनना है। फिर कहा, एक शिव निराकार परमपिता परमात्मा की भक्ति, इसको ही अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। फिर बहुतों की भक्ति करते हैं तो व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो तुमको एक अव्यभिचारी बाप की याद में रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आ जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, कलयुगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे, वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप के श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? बाबा कहे, ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे, इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान आज स्वधर्म में बैठो अर्थात शांत स्वरूप हो बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवताएं ही होते हैं, वह कब बनते हैं? बाबा कहे, देवी देवताएं कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने यह कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। बाबा कहते हैं, देवताएं इतने हीरे जैसा श्रेष्ठ कैसे बने, पुरुषोत्तम कैसे बने, यह अभी तुम बच्चे ही जानते हो, स्वयं बाबा आकर बतलाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब है कुख वंशावली। बाबा कहे, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण मुख वंशावली, बाकी सब कुख वंशावली है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही मुख वंशावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बाबा कहते हैं, यह कुल सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि इसी ब्राह्मण कुल में स्वयं भगवान आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं।
बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने, अब भक्ति का फल कौन लेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, भक्ति का फल किनको मिलेगा? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं कि जिन्होंने पूरी पूरी भक्ति की है और सबसे ज़्यादा भक्ति की है वही आकर भक्ति का फल संगम पर पाते हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो, अर्थात पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान वाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। बाबा कहते हैं, भल भगवान भगवती टाइटल देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान वाच वाले भगवान तो एक ही हैं, जो आकर सबको पढ़ाते हैं। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को न जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है, अब बच्चे जानते हैं। भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए, अर्थात बाबा कहते हैं फिर से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हो। यह अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है, जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, यह जो फाउंडेशन है जिनको थूर कहा जाता है। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थूर सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। बाबा मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष की नॉलेज दे रहे हैं कि इस मनुष्य सृष्टि का जो मेन थूर है, मेन धर्म है, वह अभी लुप्त हो गया है। बाकी सब टाल टालिया है, धर्म है, लेकिन मुख्य धर्म अभी लुप्त हो गया है, जो अभी बाबा आकर फिर से स्थापन करते हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न नाम रूप देश काल अनेका अनेक है ना, कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प यह झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आते हैं, साकार तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक, इसलिए बाबा कहते हैं जब हे पतित पावन कह याद करते हैं तो हमेशा बुद्धि और दृष्टि निराकार की ओर जाती है। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, ऊंचे ते ऊंच पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में, इसलिए बाबा कहते हैं यह उनका ही गायन है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू है भगवान। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है संगम युग, इसका किसी को पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बाबा ने फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, यह तो अनादि है। बाबा कहते हैं यह तो सृष्टि का पार्ट है, भक्ति करेंगे फिर भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बाबा कहे मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ, मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह तो अनादि है ही, शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। बाबा कहते हैं अगर कोई चीज शुरू होगी तो उसका अंत भी होगा, लेकिन यह तो अनादि चक्र है जो चलता ही रहता है, ना इसका आदि है ना अंत है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवताएं,
त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं है, उनको अलग कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। बाबा कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण को किसी की राय लेने की आवश्यकता क्यों नहीं रहती है, क्योंकि अभी संगम पर शिव बाबा से श्रेष्ठ मत मिलती है जो कि अविनाशी हो जाती है। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण के साथ यह श्रेष्ठ मत कायम रहती है। बाबा कहे अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं, पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है, यह करप्टिव है, बहुत खाते हैं, यह तो है ही कलयुगी, वहाँ ऐसे होते नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहाँ सतयुग में तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती, सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी किसको कहा जाता है कि जो पूरे बुढ़ापे तक कायम रहती है, अर्थात जहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता है, पूरी आयु भोगते हैं। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाई बच्चा बनेंगे, जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं, मुत पलीति कपड़ धोए। भगवान को बुलाते हैं आकर मुत पलीति कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो, हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। बाबा कहते हैं ऐसे तुम बुलाते हो, शरीर तो नहीं धोना है, आत्मा को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। और आत्मा को धोने की विधि क्या है, ज्ञान और योग से आत्मा की धुलाई होती है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, हद के वर्षे में दुख बहुत हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं, अथा दुख है। बाप ने कहा है यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत नहीं पाई तो जगत जीत नहीं बनेंगे। बाबा बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि अगर इस सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में काम पर जीत नहीं पाई तो जगत जीत कैसे बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए, तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे, टाइम तो लगता है ना। अर्थात बाबा कहते हैं जिसकी जो संपूर्णता की स्टेज होंगी वह उस स्टेज तक जरूर पहुंचेंगे पुरुषार्थ के आधार पर। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो। बाबा पूछ रहे हैं यहाँ तुम मधुबन में मुरली सुनने के लिए किसके पास आए हो। वह तो है निराकार, उसने शिव बाबा ने इस ब्रह्मा तन का लोन लिया है, वह खुद बताते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म, तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। बाबा कहे मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ में किया जाता है, कहते हैं ना साठ तो लगी लाठ, अर्थात वृद्धावस्था में लाठी आदि लेते हैं तो समझा जाता है बुढ़ापा आ गया। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठी लगेंगी, इसलिए भागो घर से।
बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहां मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। न किसी को श्री कह सकते हैं, न श्री श्री। बाबा कहते हैं मैं एक ही सदगति दाता हूँ। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत से मैं तुमको श्रेष्ठ बनाता हूँ। लेकिन अभी किसी को श्री श्री का टाइटल नहीं दे सकते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। उनको बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसे ही होगा। अर्थात बाबा कहते हैं सृष्टि की उतरती कला है तो उतरना ही है। फिर मैं आकर तुम्हारी सदगति करता हूँ, तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ हो सुखधाम में, पवित्रता सुख शांति सब वहाँ है। वहाँ झगड़ा आदि होता नहीं, बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। भल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमोप्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना, नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं? बाबा कहते हैं जब आत्मा शरीर धारण कर कर्म करती है, एक्ट में आती है, तो उसको ही नाटक कहा जाता है। और इस नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं तो कोई मनुष्य बता ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचे ते ऊंचा बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होंगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़े हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमोप्रधान भक्ति है। पहले सतोप्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमोप्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतोप्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सन्मुख है। अभी है हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। आज बाबा ने वरदान दिया ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं।
शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। आज बाबा ने शुभ चिंतक सेवाधारी बनने के लिए कहा कि शुभ चिंतन द्वारा सेवा वही कर सकेंगे जिनका व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन नहीं चलता होगा, वही सबके शुभ चिंतक बन सकते हैं। और जिनके पास शुभ चिंतन की शक्ति का खजाना है वह सदा भरपूर रहता है। और ऐसी ज्ञान संपन्न आत्मा चलते फिरते सर्व की सेवा करते रहेंगे। आज का स्लोगन है विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तक के कार्य में निमित बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित बनो। आज 20 मई का अव्यक्त इशारा है। इशारे का लक्ष्य है खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब खुशनुमा बनो। आज बाबा कहे कितनी भी परिस्थितियां आवे दुख की अविद्या वाले हो, अपने सुख के सागर शिव बाबा से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वह मीठा ड्रामा वह हर एक पाठधारी का पाठ इस नॉलेज की रोशनी द्वारा अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर दो। अधिकार से दुख के अहंकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन। स्वयं सुख के झूले में झूलते औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनो। आज बाबा ने विशेष खुशी में रहने के लिए कहा कि दुख की अविद्या वाले बनना है। और दुख की अविद्या तब होंगी जब सुख के सागर शिव बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उसको सदा स्मृति में लाएंगे और साथ में वह ड्रामा वह और वह हर एक आत्मा का पार्ट वह यह स्मृति सदा बनी रहेंगी तो सुख के झूले में झूलने का अनुभव करते रहेंगे और औरों को भी सुख के वाइब्रेशंस देने के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।